एवरीवन, आज हम लोग चॉकलेट मोदक बनाएंगे जो गणेश जी को भी पसंद है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। तो चलिए हम बनाते हैं चॉकलेट मोदक। कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा घी डालेंगे, ये हमारे पास थोड़ा सा खोआ है, ये है आधा किलो से थोड़ा सा कम, और इसको हम अभी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। खोआ लाइट ब्राउन होने तक हम लोग इसको फ्राई करते रहेंगे, तो इसको बीच बीच में जैसे चलाते रहिए। ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसको छोटे छोटे कट कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा कार्डमम मिक्स करेंगे। हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा बस कलर आने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। अब ये खोआ अच्छे से फ्राई हो चुका है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इस फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसमें हम तीन डेरी मिल्क मिक्स कर रहे हैं इसको चॉकलेट मोदक बनाने के लिए। ऐसे मेल्ट करके इसको खोआ के साथ मिक्स कर देंगे। ये चॉकलेट को खोआ में मिक्स कर देंगे, अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम लोग ग्राइंड करके ऐसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा कोकोनट ग्रेट करके मिक्स करेंगे और शुगर का पाउडर करके इसको मिक्स करेंगे। अब हाथों से इसको मिक्स करेंगे और एक डो जैसा बनाएंगे। अब हम मोदक बनाने के लिए इस साचा में इसको फिल करेंगे जो हमने डो रेडी किया है। अब हमने इसमें फिल किया है, अब हम इसको खोलेंगे। तैयार है, ये रहा हमारा चॉकलेट मोदक बनके तैयार। ऐसे ही हम बहुत सारे छोटे छोटे मोदक बनाएंगे। और ये हमारा चॉकलेट मोदक बनके रेडी हो गया है। अब ये आप गणेश जी को भोग लगाइए और बच्चों को खिलाइए।